और मेरे भाइयों क्या हाल है। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme डिवाइसेस के सिस्टम लॉन्चेस के न्यू अपडेट के बारे में। वेल, अक्टूबर के मंथ में सिस्टम लॉन्चेस का एक और नया अपडेट देखने को मिल चुका है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस सिस्टम लॉन्चेस को कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, कौन कौन से फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और क्या Realme UI 3.0 के अंदर इसी टाइप का जो सिस्टम लॉन्चेस है आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात की जाए सिस्टम लॉन्चर के नए अपडेट के बारे में, उससे पहले आप लोगों को उसके फीचर्स के बारे में बता देता हूं और किस किस डिवाइस में वर्क करेगा, कैसे आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इन सब के बारे में आप लोगों को वीडियो के लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें सबसे पहले फीचर्स की, तो वो फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे विजिट के सेक्शन में। वेल, Realme UI 2.0 के अंदर कुछ इस टाइप का जो विजिट का सेक्शन था वो आप लोगों को देखने को मिलता था। यहाँ पर आप लोगों को लिमिटेड जो विजिट थे वही देखने को मिलते थे, और सिस्टम एप्लीकेशंस को अपडेट करने के बाद आप लोग विजिट को भी अपडेट करते थे। लेकिन Realme UI 3.0 के अंदर कुछ इस टाइप के जो नए विजिट्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को हर एक सिस्टम एप्लीकेशन का विजिट देखने को मिल जाएगा, और क्लॉक, वेदर, कैलेंडर के जितने विजिट्स हैं उनको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपडेट भी कर सकते हो। यानी कि इस सिस्टम लॉन्चेस के अंदर आप लोगों को विजिट के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और जो नए नए विजिट हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर्स की, कि इस सिस्टम लॉन्चेस को अपडेट करने के बाद जो अगला फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेटिंग के अंदर आप लोगों को कन्वीनियंस टूल में। वेल, सिस्टम लॉन्चेस को अपडेट करने के बाद आप लोगों को जो नई स्मार्ट साइड बार है ऑफिशियली अपडेट कर दी गई है, आपको मैन्युअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जिन यूजर्स को अपडेट देखने को नहीं मिला था वो जाकर के सिंपली सिस्टम लॉन्चेस को अपडेट कीजिए, आपको भी जो स्मार्ट साइड बार है 12.0.23 की वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट साइड बार का जो नया एनिमेशन वो देखने को मिल जाता है, इसके जो नए फीचर्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको यूज करके आप लोग अपनी स्मार्ट साइड बार को और भी आसान कर सकते हो। और यहाँ पर जो आप लोगों को स्मार्ट साइड बार देखने को मिलती है इसका भी नया यूआई आप लोगों को देखने को मिल जाता है, बिल्कुल क्लीन एंड मिनिमलिस्टिक। तो अगर आपको भी सिस्टम लॉन्चेस को अपडेट करना है तो जाकर के कर लीजिए, और ये सही फीचर्स आप लोगों को सिस्टम लॉन्चेस के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात करें अगले फीचर्स की, तो वो फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन के सेक्शन में। वेल, कुछ इस टाइप का यूआई जो है Realme UI 2.0 के अंदर पर्सनलाइजेशन के सेक्शन का आप लोगों को देखने को मिलता है। हर एक फीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और मेंटेन किया गया है, लेकिन Realme UI 3.0 के अंदर कुछ इस टाइप का जो पर्सनलाइजेशन का सेक्शन का यूआई है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मेन फीचर जो हैं ऊपर आपको हाईलाइटेड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि थीम, वॉलपेपर, AOD, आइकन स्टाइल, नोटिफिकेशन पैनल को चेंज करने के ऑप्शन। इसी के साथ जो छोटे छोटे नॉर्मल फीचर्स हैं, थीम को चेंज करने के ऑप्शन, फॉन्ट को और इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट स्कैनर को चेंज करने के जो ऑप्शन है वो आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाते हैं। वेल, कुछ इस टाइप का यूआई जो है पर्सनलाइजेशन के सेक्शन का इस सिस्टम लॉन्चेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, ये जो फीचर्स हैं इंडियन डिवाइस किसी में भी वर्क नहीं कर रहे सिस्टम लॉन्चेस को अपडेट करने के बाद। वेल, आपको पता होगा मेरे पास Realme GT 5G डिवाइस भी है, चाइनीज वेरियंट, मैंने उसमें इस सिस्टम लॉन्चेस को इंस्टॉल किया और काफी अच्छे तरीके से ये सभी फीचर जो है वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग वेट कीजिए, 13 तारीख को ऑफिशियली Realme UI 3.0 लॉन्च हो जाएगा और ये सभी फीचर्स जो हैं ग्लोबली भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों बात की जाए सिस्टम लॉन्चेस के मैनुअल लिंक्स को लेकर के, तो अगर आपको भी इनके मैनुअल लिंक्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को Realme सिस्टम ऐप ऑपरेटर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा, इस ग्रुप को जाकर के आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको डेली Realme एंड Oppo डिवाइस की जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशंस के अपडेट्स हैं वो सबसे पहले देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी के रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं बिल्कुल ऑफिशियली ऑफिशियल रॉम फाइल से एक्सट्रैक्ट करके निकाले जाते हैं। तो सिस्टम लॉन्चेस के जो मैनुअल लिंक्स हैं वो आप लोगों को इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों बात की जाए सिस्टम लॉन्चेस को आप लोग कैसे अपडेट करें, और ये जो फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए इनको आप लोग किस किस डिवाइस में अनेबल कर सकते हो। वेल, ये जो नया सिस्टम लॉन्चेस का अपडेट आया है 12.3.00 का,
अगर आप लोग इसको किसी भी इंडियन डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। अभी तक सिर्फ चाइनीज वेरिएंट के अंदर ये वर्क कर रहा है, लेकिन 13 अक्टूबर को फाइनली रियलमी यूआई 3.0 इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये जो सिस्टम लॉन्चर है आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और ये जो फीचर्स हैं ये भी वर्क करने लग जाएंगे। इसके साथ मैं आपको दो सिस्टम लॉन्चर्स और प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो आपको देखने को मिलते हैं 11.2.00, 11.1.00। अगर आप लोग 11.1.00 के ऊपर हो तो आप लोग अपने सिस्टम लॉन्चर्स को 11.2.00 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस जो था वो इम्प्रूव हुई थी और थोड़े बहुत फीचर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आप सब लोग एक बात ध्यान में रखना, इस नए सिस्टम लॉन्चर्स को ज़बरदस्ती इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप लोग ज़बरदस्ती करोगे तो आपका सिस्टम लॉन्चर जो है वो क्रैश भी हो सकता है, आपको आपके डिवाइस को रीसेट भी करना पड़ सकता है। बिकॉज ये दिक्कत मेरे को फेस करनी पड़ी, तभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ज़बरदस्ती इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना। तो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, और अगर आपको इनके मैनुअल लिंक चाहिए तो नीचे रियलमी सिस्टम ऐप अपडेटर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर सभी सिस्टम एप्लीकेशन के जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।